हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करूंगा आप सब अच्छे होंगे। एक इम्पोर्टेंट अपडेट देना था। महाराष्ट्र सरकार ने एक नया गाइडलाइन जारी किया है मुंबई एयरपोर्ट के लिए। जो भी इंटरनेशनल पैसेंजर्स मुंबई एयरपोर्ट में जाएंगे, उनका आरटीपीसीआर टेस्ट लिया जाएगा एयरपोर्ट में। चाहे आप रिस्क वाले कंट्री से जाते हैं या नॉर्मल कंट्री से, कोई भी कंट्री से आप मुंबई एयरपोर्ट जाओगे, आपको वहाँ पर पीसीआर टेस्ट कराना पड़ेगा। पीसीआर टेस्ट में अगर आपका रिपोर्ट नेगेटिव आता है तो फिर आपको छोड़ दिया जाएगा, लेकिन आपको 7 दिन होम क्वारंटाइन रहना पड़ेगा। अगर कोई बंदा पॉजिटिव निकलता है तो फिर उसको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन के लिए हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा। हालांकि इससे पहले पीसीआर टेस्ट मैंडेटरी सिर्फ उन लोगों के लिए था जो रिस्क कैटेगरी वाले कंट्री से जा रहे थे। रिस्क वाले कंट्री में गल्फ का कोई भी कंट्री नहीं था, तो सऊदी अरबिया या फिर गल्फ के कोई भी कंट्री से मुंबई आप जाते तो आपका पीसीआर टेस्ट नहीं कराना पड़ता। बट अभी का जो नया रूल है, इसमें जो भी इंटरनेशनल पैसेंजर्स मुंबई एयरपोर्ट में जाएंगे उनको पीसीआर टेस्ट कराना मैंडेटरी होगा। तो आप में से कोई भी अगर छुट्टी जा रहे इंडिया, मुंबई का टिकट है या फिर मुंबई का टिकट लेने वाले हैं, तो फिर ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये रूल फिलहाल मुंबई एयरपोर्ट ने इम्प्लीमेंट किया है। मुंबई के अलावा बाकी जो एयरपोर्ट्स है वहाँ पे वही गाइडलाइन है इंडिया का जो मैंने इस वीडियो में बताया है, तो आप लोग ये वीडियो को भी देख लीजिए। तो आप में से कोई भी अगर छुट्टी जा रहे इंडिया, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मुंबई एयरपोर्ट का टिकट ना बुक करें, मुंबई के अलावा कोई दूसरा एयरपोर्ट में जाएं, क्योंकि वहाँ पे ये रूल नहीं है, वहाँ से आप आराम से निकल सकते हो। रिसेंटली ये भी खबर आ रहा था मुंबई एयरपोर्ट से कि वहाँ पे कोरोना टेस्ट का स्कैम हो रहा। तो ये इन्फॉर्मेशन अपने दोस्तों, अपने रिलेटिव्स सब तक पहुँचाइए, उनको शेयर करिए वीडियो ताकि वो अवेयर हो सके। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।